नमस्कार साथियों साथियों, यदि आपने यूपी पुलिस का यदि आपने एग्ज़ाम दिया है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम दिया है, तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर यह है कि आपका जो रिजल्ट है वह जारी हो रहा है। तो उसको आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट के माध्यम से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पर आप इस तरह से पेज ओपन होगा। जब पेज ओपन होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जबकि आप सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट का, तो रिजल्ट के ऑप्शन में आप सबसे ऊपर देख सकते हैं यूपी पुलिस है, एसआई, एएसआई का और अकाउंट का जो रिजल्ट है 2022, इसका जो एग्ज़ाम है वह आपका कब हुआ था? दिसंबर में हुआ था। दिसंबर 2021 में इसका क्या हुआ था? एग्ज़ाम हुआ था 4-5 दिसंबर को। तो वहीं पर इसका जो रिजल्ट है वह आपका जारी हो रहा है। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड रिजल्ट पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है, और या फिर आप कट ऑफ के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। जब डाउनलोड रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी रिजल्ट आपका अभी प्रोसेसिंग पे है इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। तो इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कट ऑफ है वह कट ऑफ क्या रहेगी आपकी। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पर लेकर चलते हैं। आज एक सूचना विज्ञप्ति जारी की गई, जो कि आप यहां पर डेट देख सकते हैं, 1 अप्रैल 2022 है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा, ठीक है। तो आप नीचे यहां पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक, ठीक है, जो भी पद आपके थे उन पदों को यहां पर लिखा हुआ के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञप्ति के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा ऑनलाइन जो लिखित परीक्षा 4 और 5 दिसंबर को आयोजित की गई थी, ठीक है। उक्त परीक्षा में जो अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण परीक्षा कुल कर 4 पालियों में आयोजित की गई थी, इसीलिए नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अंकों का क्या किया गया, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया गया है, ठीक है। वहीं पर आप इस तरह से देख सकते हैं, उसके नीचे कट ऑफ की बात की गई है, जो कि आपकी कट ऑफ है। तो वहाँ पर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में जो पद आपके सामने, इन पदों पर जो कि आपके पद क्या हैं, उप निरीक्षक है, ठीक है, जो कि आपका सहायक उप निरीक्षक है, इनके पद हैं, जहाँ पर जो आपके जो श्रेणियाँ हैं वहाँ पर आपकी बात की जा रही है। जो अनारक्षित जो जनरल वाले हैं वहाँ पे 313.136 है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 254 है, वहीं पर भूतपूर्व जो सैनिक है 243.1020 है, वहीं पर महिलाओं के लिए 295.3469 है, और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लिए आप यहां पर देख सकते हैं 301.1428 है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, जहां पर आप देख सकते हैं जो आपकी कट ऑफ है वह कट ऑफ आपको यहां पर दी गई है। वहीं पर उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सहायक उप निरीक्षक हैं, जो आपके एसआई का है, तो वहां पर उनकी कट ऑफ आप देख सकते हैं, अनारक्षित का, जो कमजोर वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, तो 303.1250 है, जो आपकी जनरल के लिए है, और 205.6321 है, और उसके बाद जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 166.7340 है, वहीं पर महिलाओं के लिए 287 गई है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी यह कट ऑफ रही है। तो साथियों, जो आपका रिजल्ट है वह शीघ्र आपका अपलोड हो जाएगा। जैसे ही आप अपलोड होगा तो आप अपने रोल नंबर के अनुसार अपना जो रिजल्ट है, यदि आपके पीडीएफ के रूप में ओपन होती है तो आप पीडीएफ पे जाके आप सर्च कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप फिर आप अपनी कट ऑफ को मिला लेंगे, ठीक है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए, प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।